खबर है देवरिया जिले से, जहां देवरिया जिले में 1 करोड़ रुपए का सरकारी खाद्यान्न का बंदरबांट किया गया है, ऐसा आरोप लगाया गया है। आपको बता दें इसकी खबर मीडिया के द्वारा जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह को लगी, तो इस मामले की जांच कराकर मार्केटिंग अफसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराते हुए कार्रवाई शुरू करी गई है। आपको बता दें कि विगत 28 जुलाई को संयुक्त आयुक्त खाद्य गोरखपुर ने देवरिया जनपद के भाटपार रानी सरकार फ्री गोदाम का निरीक्षण किया और उन्होंने शंका जाहिर की थी कि गोदाम में कुछ खाद्यान्न कम है। इसके बाद जिलाधिकारी देवरिया जितेंद्र प्रताप सिंह ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच कमेटी बैठा दी। आपको बता दें डिप्टी आरएमओ, जिला पूर्ति अधिकारी और वीडियो भाटपार इसमें शामिल थे। तीनों की देखरेख में 3 दिनों तक बोरी की गिनती कराई गई। रविवार को जांच टीम ने अपनी रिपोर्ट जिलाधिकारी को प्रेषित कर दी। रिपोर्ट में लगभग 10,000 बोरी खाद्यान्न गोदाम में नहीं मिली है, जो कि एक बड़ा मामला सामने आ गया। देखिए हमारे संवाददाता की यह विशेष रिपोर्ट। पर में ये खाद्यान्न पकड़ा गया, क्या पूरा मामला, क्या कार्रवाई की जा रही है? क्योंकि शासन द्वारा डोर स्टेप डिलीवरी का व्यवस्था कर दी गई, जिसमें कि एफसीआई गोडाउन से सीधे कोटेदार की दुकान से सामान ले जाया जाता है। तो अब उन जो पुराने गोदामों का सत्यापन हम लोगों ने कराने का निर्णय लिया, ताकि वहां के स्टॉक का मिलान कर सके। इसी क्रम में भाटपार जो हमारी तहसील है, उसमें भाटपार ब्लॉक है, उसमें जो गोदाम है वहाँ पे, उसका सत्यापन किया गया। उसमें करीब 10,000 खाद्यान्न की बोरी, जो लगभग 5,000 क्विंटल होता है, वह सामान उसमें शॉर्ट पाया गया। इसका संज्ञान लेके इसमें FIR जो वहाँ मार्केटिंग इंस्पेक्टर है राहुल सिंह, उनके खिलाफ लिखाई गई है 3/7 में और अन्य धाराओं में, और बाकी कार्रवाई की जा रही है। सर अनुमान तक कितने खाद्यान्न होगा? लगभग 1 करोड़ रुपए से अधिक की वैल्यू है उसकी, और ऐसा प्रतीत होता है कि जो वहाँ के जिम्मेदार लोग थे, उन्होंने उसका दुर्विनियोजन किया है, दबला बेचा है। तो इसके क्रम में उनकी रिकवरी या जो दायित्व निर्धारित करना है, वो हम लोग कर रहे हैं।